श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं नवकंज कंज पद कंजारुणं। जय सिया राम। हाय गाइस, मी अलका एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बेनोज आर्ट। फ्रेंड्स, आज की मेरी पेंटिंग का थीम अवध के श्री राम, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। कल 5 अगस्त 2020, ये वो तिथि है जब हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के अथक प्रयासों से एक ऐतिहासिक काज का साक्षी बनने का स्वर्ण अवसर प्राप्त होने जा रहा है। जिस क्षण की प्रतीक्षा प्रत्येक भारतवासी को थी, वो शुभ मुहूर्त कल आने वाला है। श्री राम, जो किसी मानव विशेष, जाति, धर्म, संप्रदाय विशेष के नहीं, अभी तो हर किसी के हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की बात कही और मानवता को ही अपने जीवन में उतारा और हम सभी के समक्ष एक बेहतर उदाहरण पेश किया, जिन्होंने अपने जीवन में सादगी, सत्यता, सहनशीलता, उदारता जैसे अनेक गुणों को धारण किया, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपनी प्रजा की निस्वार्थ सेवा में बिता दी। ऐसे श्री राम अनेक गुणों के भंडार हैं। उनमें जो गुण थे, उनमें से अगर एक आधे भी हम मनुष्य अपने अंदर धारण कर लें तो शायद हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। अतः हम सबको इस संकल्प के साथ आगे का भविष्य तय करना होगा कि मानवता ही सच्चा धर्म है। मानवता को किसी जाति, धर्म, संप्रदाय में न बांटे। मानवता सिर्फ मानवता है। श्री राम की पवित्र भूमि अवध, जिसमें भव्य मंदिर का शिलान्यास पीएम मोदी जी द्वारा कल होने जा रहा है, तो ऐसे में हर भारतीय का मन गदगद है और हर्षित है, और ऐसे में मैं भी गुनगुनाए बिना नहीं रह पाऊंगी। चंद लाइनें गुनगुनाना चाहती हूँ कि सजा लो घर को गुलशन सा, सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। अवध के राम आए हैं। जय सिया राम। ये गीत प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित।
जय सियाराम। चीज की